सेट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 135, 190, 145, 140, 135 का औसत ज्ञात करें। तो औसत का मतलब होता है ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको आपस में योग कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, और फिर जोड़ने के बाद इन्हीं संख्याओं का भाग करना है आपको। तो गिनिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का भाग कर देना है। तो 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 135, जब इनको आपस में आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 745, और बटे 5 कर देना है। तो 5 के जैसे ही भाग करेंगे तो कितना आएगा, 149। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आप डिवाइड करके चेक कर लें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 35, 40, 65, 30 एंड 75, इसका औसत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसका आंसर करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है, और 1 वर्ग मीटर, ध्यान रखें यहाँ क्या लिख दिया, वर्ग मीटर लिख दिया, वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हमारे पास हिंट है कि इसका निकालना क्या है, तो क्षेत्रफल निकालना है। जब हम क्या होता है किसी वैल्यू का क्षेत्रफल निकालते हैं, अब वो क्या हो, आयताकार हो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 7 गुणे 4 करना है, और कॉस्ट कितना आ रहा है, 21.50, तो 21.50 कर देना है। तो टोटल जो इंटू आएगा इसका कितना आ जाएगा, 602। ठीक है, आपको प्रोडक्ट कर लेना है यानी गुणा करना है, तो 602 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो गया। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई अगर 20 सेंटीमीटर है, मीटर ही है, 20 मीटर हो, और प्लास्टर का जो खर्च है, 1 वर्ग मीटर प्लास्टर का जो खर्च है वो 20 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये है, तो बताइए कितना खर्च आएगा। इसका आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है एक टीवी का वर्तमान मूल 18,000 रुपये है, और 5% वार्षिक दर से मूल घटता है, और जब घटता है तो इसके लिए फार्मूले जो अप्लाई करते हैं, a = p((1-r)/100n। ठीक है, और इसमें टाइम दिया है 3 वर्ष। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू यहाँ पे रखना है, पी मतलब ये जो मूलधन दिया है, वर्तमान मूल्य, तो इसको पी बोलेंगे। तो 18,000 रुपये हुआ, 1-r मतलब परसेंटेज वाली वैल्यू, तो 5/100 हो गया, और एन का मतलब होता है समय, तो समय कितना हुआ, 3 वर्ष। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20 हुआ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 18,000 हुआ। ठीक है, देन इसके बाद 20 का इंटू करेंगे आप 1 से, तो 20 × 20 और -1 हुआ, अपॉन क्या हुआ, 20^3। ठीक है, ये 18,000 हुआ, देन 20 में 1 गया तो 19/20 हुआ, और \3 हुआ। देन इसके बाद इस क्या करेंगे, 18,000 आपको लिखना है प्यार से, और इसको 3 बार लिखना, 19/20 × 19/20 और × 19/20। ठीक है, देखिए 3 0 थे तो तीनों कट गए ये आपस में, 2 से 18 कटा तो 2 × 9 = 18 आ गया। अब इसके बाद वाली वैल्यू जो है, तो 9 × 8 = 19 × 19 करेंगे, और उसके बाद 2 का भाग करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 15,432 आएगा। ठीक है, ये 0.75, तो इसमें 7.5 नहीं है, तो आपको क्या करना, सभी का इंटू करके 2 का डिवाइड करना है लास्ट में, तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि यदि वर्तमान मूल्य 800 रुपये हो, ठीक है, और ये 20% प्रति वर्ष में मूल घटता है, यदि घटता है, जुड़ता है तो प्लस लेना है फार्मूले में, यहाँ पे जुड़ने में प्लस लेना है, अदरवाइज क्या करना है, घटता है तो माइनस लेना है, और 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात करना है। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तो इसको हम कई बार कई स्टेटों में सॉल्व कर चुके हैं। जब भी किलोमीटर में दिया होता है तो उसके साथ हम 5/18 का गुणा करते हैं, तो मीटर परसेंटेज में बदल जाता है, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। ठीक है, तो 18 × 1 = 18, 18 × 5 = 90, और 5 से जैसे गुणा किए तो 5 × 5 = 25 हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके इसका आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन मैं कई बार कई सेटों में पढ़ा भी चुका हूँ, आप इसका आंसर कमेंट्स करें। फार्मूला मैं बता देता हूँ, m1 × d1 = m2 × d2, यानी पहला आदमी
और उसका पहले का काम, फिर दूसरा आदमी, फिर दूसरे का काम, मतलब कितने दिन लगे, तो पहला आदमी और दिन, फिर दूसरा आदमी और दूसरा दिन, ठीक है। इसमें आपको पुट करना है, तो ये पहला आदमी जो है 15 दिन M1 कहलाया और D1 20 दिन, फिर यहाँ पे M2 दिया है 20 और D2 आपको फाइंड करना है। तो इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया 1/4 + 1/4 और +1 + 1/2 + 1/2 + 2। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप याद रखें भिन्न का जोड़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप पहले प्यार से ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि हर एक जैसे हो, ध्यान दोगे तो यहाँ देखो हर मतलब ये 4, इसमें दोनों 4 सेम है, तो अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। अंश में क्या था, 1 1 था, तो 1 + 1/4 + 1 + इसमें भी हर देखो तो सेम हुए, तो 1 + 1/2। और हर में जब समान होते हैं तो कोई एक हर लेना है, दोनों को नहीं लेना है, और अंशों को जोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए जोड़ते हैं, तो 1 1 2/4 + 1 + 1 1 2/2, चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2 1 कम और 2 2 नहीं, तो 1/2 + 1 + 2 2 = 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2, ठीक है, लास्ट में 2 ही था, इसको आपको लिखे रहना है, ठीक है, ठीक है। चलिए 1/2 + 1 1 2 और 2 2 कितना हुआ, 4, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो 4 2 8, तो 1 + 8/2 कितना हुआ, 9/2। इसका करेक्ट आंसर 9/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, 1/3 + 1/3 + 1 + 1/5 + 1/5 ना दे करके मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 9, ठीक है, और +3। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे क्या दिया है, 9000 रुपये की राशि 8% लाभ धन से, 8% अगर लाभ हो जाए तो धन कितना होगा। तो याद रखें, जितना परसेंट हो ना, जितना भी परसेंट आपको लाभ हो, उसमें 100 को जोड़ देना है, तो 8% लाभ है, तो 100 को जोड़े कितना हुआ, 108 हो गया। और परसेंट का मतलब 100, तो डिवाइड में रख दो और प्यार से इनका इंटू कर दो भाई, तो जब इंटू करोगे तो 9 × 108 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं, 0 और ये आया, ठीक है, 972, तो 9720, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ कि 4000 रुपये की राशि का 20% अगर लाभ हो जाए तो लाभ के बाद कितना धन आपको हासिल होगा, तो बताइए इसको। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं इससे पहले कई सेटों में सॉल्व करा चुका हूँ, तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, परिधि का फार्मूला होता है 2πr और यहाँ दिया कितना है 88। तो इसको सॉल्व करिए, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 और आर है ही, और आप निकाल लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कमेंट्स करिए, मैं बताऊंगा आपको सही किया गया कि गलत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 10, और 10 में दिया क्या है, 10^30 का मान क्या होगा। तो हमेशा याद रखें 10^30 का मान 1/√3 होता है, तो डी ऑप्शन सही है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 10^45 का मान क्या होगा। मन में ख्याल भी आता होगा कैसे जानेंगे ये सारी वैल्यू, तो एक त्रिकोणमिति का चैप्टर हमने पढ़ाया है इससे पहले, और उसमें बेसिक चैप्टर पढ़ाया, तो उसमें काफ़ी फार्मूले लिखाए गए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। या 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, त्रिकोणमिति के एक चैप्टर है 10th क्लास में, 8th चैप्टर में, तो आप वहाँ भी इसको फार्मूले को टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ से आप याद कर लें, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बराबर 5 b = 6 हो तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a का मान क्या है 5 + b लिखा है, तो b का मान है 6 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगा दीजिए, इंटू करना है, a का मान फिर से 5 - b का मान क्या है 6 लिखिए, फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 × 5 क्या हुआ 11 का होल स्क्वायर, इंटू 6 में 5 गया तो -1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर होता है ना, तो हमेशा प्लस में आती है, तो 11 का 2 बार इंटू जो होगा 1 to 1 होगा, और 1 का 2 बार इंटू 1 होगा, तो आंसर क्या है 121, इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सेम टू सेम आपको करना है।
इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यानी ए की जगह चार दे दिया और बी की जगह जो है बी की जगह पाँच दे दिया। तो आपको इसका आंसर बताना है कितना आएगा। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा पुराना ही रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है ए ने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 198 में बेच दिया, तो हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो पहली बात तो हानि परसेंट का फार्मूला ज्ञात कर लेना आपको। हानि परसेंट बराबर हानि इंटू 100 अपॉन क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। अब हानि परसेंट निकालना, तो हानि पता होनी चाहिए, तो हानि तो तब निकलेगी जब हम हानि निकाल लें। तो देखिए एक काम करना है, हानि कितने रुपए, 200 रुपए में आप खरीदे 198 में बेच दिए तो दोनों घटा दीजिए तो 2 रुपए की हानि हुई, बटे क्रय मूल्य कितना है जितना में खरीदा जाता है उसको क्रय बोलते हैं। तो 200 में खरीदे थे और 100 के इंटू करके इसको सॉल्व करिए तो दोनों जीरो कट गए और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1% की हानि हो गई आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। दिस इज रिलेटेड एक क्वेश्चन कि ए ने एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा, ठीक है, 400 में खरीद लिया और उस व्यक्ति ने 398 रुपए में बेच दिया, तो बताइए हानि परसेंट क्या होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें आप। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ते हैं, तो दो संख्या मान लेता हूँ, एक को 3x और दूसरे को 4x, और भिन्न लगा है दशम, ये भिन्न का सिंबल है अनुपात का, तो मैंने डिवाइड यूज किया। अब बोला क्या है कि दोनों में 5 जोड़ना है, तो +5 और +5 कर दो, बराबर कितना हो जाता है 4/5, आप रख दो 4/5। अब जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको त्रियक गुणा करना है, तो 5 के गुणा इधर, तो 5 नहीं 15x, फिर 5×5=25। याद रखना जब भी त्रियक गुणा किया जाता है तो इस 5 को जो भी वैल्यू होगी दोनों के साथ इंटू करें, 3x में भी 5 में भी, ऐसे ही 4 को इंटू करेंगे तो 4x में तो कितना हो जाएगा 4×16x और 4×5=20, तो ये आ गया 20। देन अब x वाली को x वाले के पास लाइए, तो 15x-16x = 20-25, ठीक है। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे सब्ट्रैक्ट किए तो 16 में 1 गया, 15 गया तो x, ठीक है, 1 बचा मतलब x हमने लिख लिया, और 25 में 20 गया तो 5 आया। अब दोनों में ध्यान दें तो 16 क्या है बड़ी संख्या, उसमें माइनस लगा इसलिए मैंने माइनस यूज किया, और 25 में यहाँ देखें बड़ी संख्या तो माइनस है, तो दोनों का माइनस मैंने लिख लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, माइनस माइनस काट दिया गया। जब x की वैल्यू आ गई तो बोला गया संख्याएं ज्ञात करें, तो मैंने एक संख्या को 3 को 3x माना था, 4 को 4x माना था, तो 3×x का मान 5 और 4×4×x का मान 5, गुणा करिए तो 3×5=15 और 4×5=20 हुआ, तो 15 और 20 इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि 3:4 है, तो यहाँ पे मैंने अनुपात दिया 6:8, ठीक है, और दोनों संख्याओं में मैंने 10 जोड़ दिया, ठीक है, दोनों में जोड़ा क्या गया याद रखना, 5 की जगह मैंने 10 जोड़ दिया, तो बताइए यदि नया अनुपात 8:10 हो जाए, ठीक है, मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, 3:4 को 6:8, 5 जोड़ा गया तो 10 जोड़ दिया, और 4:5 था तो मैंने 8:10 कर दिया, तो आपको बताना वो संख्याएं क्या है। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:3, तो जब संख्याएं ना पता हो तो जो भी अनुपात उसमें x का इंटू करें, तो 1 था तो 1 का इंटू x में तो x, और 3 का इंटू x में तो 3x, उनका योग, योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 240, तो 3×4 तो 4x बराबर कितना हुआ 240, ठीक है, तो 4 का जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल कितना हुआ 60, यानी x का मान आ गया। तो बोला है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर, तो पहले संख्याएं ज्ञात करते हैं, तो फिर से हमारे पास x की वैल्यू 60 आई, और पहली संख्या हमने क्या माना था x, तो जब x पहली संख्या माने तो x का मान 60 हुआ, और दूसरी संख्या 3x माने तो 3×60 का इंटू 3x इज इक्वल टू कितना होगा 3×x यानी 60, 3×6=18 180 हुआ, दूसरी संख्या हो गई 180। तो बोला है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर का मतलब होता है क्या, घटाना, तो दोनों संख्याओं को आपस में घटाइए तो कितना 120 आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 120, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात 2:6 हो और यदि उनका योग 240 ही हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, ठीक है।
मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, अब आपको बताना है क्या आएगा। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दो गुना है, तो मैंने संख्या मान ली पहली एक्स और दूसरी वाई, बोला है दोनों का योग और फिर दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का क्या है, दो गुना, तो दो का गुना कर दिए। इसको सॉल्व करिए, जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, टू का इंटू एक्स में तो टू एक्स, और टू का इंटू वाई में तो कितना हुआ, माइनस टू वाई। बुला लाइए एक्स को एक्स के पास, तो जैसे ही एक्स इधर आया तो एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल माइनस टू वाई और माइनस वाई, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस एक्स इज इक्वल कितना हुआ, सेम सिंबल ऐड होंगे तो दो एक तीन, ठीक है। टू एक्स इधर आ गया और एक्स माइनस टू एक्स और टू वाई, माइनस टू वाई था माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस माइनस काट दिया गया तो एक्स इज इक्वल क्या हुआ, थ्री वाई, इतना आ गया। अब इसने बोला है एक संख्या दस है, वो संख्या कोई भी मान लीजिए, चाहे एक्स बराबर मान लीजिए चाहे वाई बराबर मान लीजिए, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि वाई की वैल्यू दस दी है, ठीक है। तो जब वाई की वैल्यू दस मान लिए तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, थ्री इंटू टेन, तो दस टेन कितना हो गया, तीस, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने दस मान ली, तो एक बोला है ना कि एक संख्या जो है दो संख्याओं के योग उनके अंतर से दो गुना है, तो दो योग करते हैं, अगर इनको आंसर चेक करते हैं, हमने y को 10 माना तो y यहाँ 3 y था तो 10 33, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू 10 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। अब इसको हम चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं, तो बोला क्या दो संख्याओं का योग, तो योग मतलब 40 हो गया, 30 10 40 चेक करते हैं, ठीक है। उनके अंतर मतलब उन्हीं दोनों को घटा दीजिए, तो 30 में 10 गया तो 20 आया, का दो गुना है तो 20 दूनी 40, देख लो पूरा करेक्ट है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 30, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में देखिए 625 आया, फिर 125, फिर 25, फिर 5 आ रहा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली संख्या को दूसरी से भाग कर दीजिए, ठीक है। 125 में जब 625 का भाग करेंगे, ठीक है, 625 में 5 का भाग करना है तो 125 आएगा, फिर 125 में 5 का भाग करें तो 25 आएगा, फिर 25 में 5 का भाग किया तो 5 आया, तो 5 में 5 का भाग करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, आपको करना है। 4 आया, 16 आया, 64 आया और 256, अगली वाली संख्या बताना क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जंगल लकड़ी पेड़ फर्नीचर को सही क्रम में लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जंगल होते हैं, जंगल में पेड़ होंगे, जब पेड़ होंगे तो उनको आप काटेंगे तो लकड़ी होंगी, लकड़ी होगी तो उससे कुछ ना कुछ बनवाएंगे तो फर्नीचर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 24 के बाद 48 आया, उसके बाद 96, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो आप गौर करें, 24 दूनी 48 होता है मतलब दो का गुना, फिर 48 दूनी 96 होता है फिर से दो का गुना, तो अब 96 दूनी करना है तो 2 × 12 दो नाम 19, 192 कैरी में ले लिया था मन में, ठीक है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि यदि 40 हो, फिर 80 हो और फिर 160 हो तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, बताइए आप। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, देखें 54 के बाद 43 आया, तो 54 को 43 में घटाया गया तो डिफरेंस मिला 11 का, फिर 43 में 34 को घटाया गया तो डिफरेंस मिला 9 का, तो 11 के बाद 9 आया तो अगली संख्या 7 आनी चाहिए, ठीक है। तो 34 में जब 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यही यहाँ पे गलत है, 8 × 6 = 14 हो गया, ठीक है। तो ये 26 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 20 पे क्या दिया, 1250, फिर 250, फिर 50, फिर 10 आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 5 का डिवाइड करते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 का डिवाइड हो रहा सभी में, फिर 225 में 5 का डिवाइड हुआ, फिर 50 में 5 का डिवाइड हुआ तो 10 आया, फिर 10 में 5 का डिवाइड तो 2 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना सी होगा। तो इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 8 हुआ, फिर 8 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 2 हुआ और 2 के बाद 0 हुआ, 0 के बाद -1 हो गया, ठीक है, और इसके बाद -4 हुआ। तो आपको बताना इसमें गलत पद कौन सा है, रॉन्ग क्या हुआ, ठीक है, चेक करिए। और अगले क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 100 हुआ, इसके बाद 100 के बाद यहाँ पे 50 हुआ,
50 के बाद क्वेश्चन मार्क, आपको बताना क्या आएगा।